अटैली से बीजेपी उम्मीदवार आरती राव के समर्थन में केंद्रीय मंत्री रविंद्रजीत सिंह ने अटैली विधानसभा के गांव दोंगड़ा अहीर बोचड़िया और रक्कनीना कस्बे में लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान रविंद्रजीत सिंह ने यह कहा कि 5 अक्टूबर को होने वाला विधानसभा चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है बल्कि दक्षिणी हरियाणा के मान सम्मान का चुनाव है। रविंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो सत्ता का केंद्र बिंदु केवल रोहतक रहेगा और अगर आरती राव और बीजेपी जीतती है तो सत्ता आप सबके हाथ में रहेगी। रविंद्रजीत सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि दक्षिणी हरियाणा के किसानों के लिए बीजेपी शासनकाल में नहरी पानी की व्यवस्था की गई है जिससे यहां का जलस्तर ऊपर आया है, नहीं तो एक समय वो भी था कि यहां के ट्यूबवेल नकारा हो गए थे और किसानों ने अपने बिजली के कनेक्शन भी कटवा दिए थे। आपके बीच में जिनका आपको इंतजार था, ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में धीरे धीरे करके आ रही है, आप लोग स्वागत। 2014 के अंदर हमारी पार्टी पहली मरतबा विजयी हुई थी, मेजोरिटी आई थी, उस टाइम उनकी अध्यक्षता के अंदर पार्टी हुई थी। तो उम्मीद तो उस एरिया को थी कि कोई इस एरिया का चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन पार्टी ने किसी और को बना दिया। तो इसी चीज का मैंने जिक्र किया था कि अभी भी लोगों की आशाएं हैं कि ये एरिया जब किसी पार्टी को बनाने के अंदर अपना पूरा फुल सहयोग देता है, 36 विभागी मिलकर के सहयोग देती है, तो कभी तो हमारा इस क्षेत्र का भी नंबर आना चाहिए। देखो, शीर्ष नेतृत्व ने इस बार तो हमारे कहने से कई टिकटें दी हैं और अगर इस बार हमारी पार्टी विजयी होती है और हमारे को नंबर मिल जाते हैं तो शायद इस बार